हरि ओम। मुझे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है कि क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, कि सारे जो एक्सपीरियंस हैं आपके वो तो ज़िंदगी के निचोड़ हैं। मेरे पास तो कुछ ख़ास ही उनकी अनुभूतियाँ हैं, शायद वो आप किसी के पास ना हों, और वो मैंने अनुभव भी की हैं। सारे भारत की यात्रा भी की है, कोई ऐसा मंदिर तीर्थ नहीं जहां हम दोनों, मैं और मेरी धर्मपत्नी ना गए हों, लेकिन ये उनकी कृपा से। लेकिन जो अनुभूतियां मैंने उनके अंदर से जो ग्रहण की, उन्होंने कहा कभी कभी लिखा करो। सिर्फ एक ही बात के अंदर मैंने जाना और माना कि ही वॉज ए मैग्नेट, इतना मैग्नेट इफेक्ट था उनके अंदर कि वो कह रहे हैं सूक्ष्म बात करने से ही कुछ मिलता है, थोड़ी बात करने से ही बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा कुछ करने से ही बहुत कुछ मिलता है। सेवा का शब्द ही सेवा है, तो इसको कहने और करने की क्या ज़रूरत है, कुछ करके दिखाओ बस हो गए शुरू, तो व्याख्या करने की ज़रूरत ही कहाँ रह गई 35-36 साल पहले। कि सेवा है, सेवा सुन ली, बात दफ़ा बहुत दफ़ा कह ली, आपने भी सुन ली, वहाँ भी आए, सब शिविर हुए, सेवा करने के बाद कहने की क्या ज़रूरत है, बस मुंह बंद हो गया। जो अनुभूति एक हुई थी वो ये थी कि 89 के अंदर सब लोग शिविर के अंदर बैठे हुए हैं, स्वामी चिदानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी, कृष्णानंद जी, अध्यात्मानंद जी, जीवन मुक्तानंद जी, वर्षा कहे आज ही हूँ, बारिश कहे आज ही हूँ, और स्वामी जी कहते हैं बैठ इधर आ बैठ, वरुण देवता थोड़ी दूर चले जाओ, वरुण देवता 2-4 घंटे बाद आना, अभी हम भोजन कर रहे हैं। अनबिलीवेबल, सारे पढ़े लिखे, और चंद्र स्वामी जी इतने इतने बड़े जो कहते थे कि हम बहु हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं, बस 5-10 मिनट के अंदर ही वो वर्षा के ऋतु के जो इतना बड़ा वो लगा हुआ था कि सब टेंट भीग गए, वो वर्षा कहाँ चली गई, उस 10 मिनट के अंदर ही हम सब फिर उसी तरह स्वस्थ होकर भोजन करने लग पड़े, और 2-3 घंटे के बाद वर्षा वो हुई। यही अनुभव एक दफ़ा और हुआ, मेरी फ्लाइट भी है, स्वामी जी की फ्लाइट भी है, वहाँ मिले, कोट पैंट डेलीगेशन लेके कनाडा अमेरिका जा रहा हूँ, क्या कर जा रहे हो, हाँ अच्छा अच्छा बैठो, मैं कहा स्वामी जी फ्लाइट है, बैठ जाओ। मैं उनके चरणों में बैठ गया तो डायरेक्टर मेरे साथ दत्ता जी थे, चीफ सेक्रेटरी, उनकी फ्लाइट आधा घंटा लेट, हमारी भी फ्लाइट आधा घंटा लेट, तो उन्होंने एक बात फिर कही फिर सेवा। उस वक्त मतलब भी नहीं समझ आया, जब कुरुक्षेत्र में एक दफ़ा गए तो वहाँ जब ब्रह्म स्रोत्र में स्नान कर लगे थे तो उन्होंने हार मेरे गले में डाल दिया। मैंने कहा स्वामी जी सेवा करो, कहो नहीं करो, जितने तीर्थ हैं कराओ और सेवा करो, बस उसके बाद होगी। अब करने की बात यह है, कहने की बात नहीं। मैं इतना सूक्ष्म कहूँगा कि स्वामी चिदानंद जी एक मैग्नेट इफेक्ट थे, जितनी मुझे समझ आई, जितनी मैंने लोगों से मिला, मुझे मदर टेरेसा की वो वर्ड याद है जब उन्होंने सीरी फोर्ट के अंदर ये कहा, मैं सिर्फ आई नो ओनली वन सेंट, आई नो ओनली वन सेंट, ही इज चिदानंदा। सब लोग हैरान, हजारों हजारों की तादाद में मदर टेरेसा कह रही है आई नो ओनली वन सेंट, ही इज चिदानंद। सो उनके चरणों में रहकर जो अनुभूतियाँ हुई, आप लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं तो धन्य धन्य हो गया कि आप स्वामी चिदानंद के चरण कमलों में रहे और उनकी अनुभूतियाँ आपने ग्रहण की। मैं तो उनके एक क्षण उनके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन आज भी कुछ ऐसा हुआ कि जो वर्षा हुई थी उनकी कृपा से वर्षा सुबह बंद भी हुई 2-3 घंटे, और जो आपने अनुभूतियाँ ली हैं उसका शेयर करने का हमारा मतलब ही यही है कि ये एक बहुत बड़ी एक मानो आप इंट्रैक्शन नहीं कर रहे। मुझे वो कहते थे मीमांसा किया करो, अगर मीमांसा करोगे आपस की तो आपको एक दूसरे से कुछ बांटने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा।
तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आप सब यहाँ पधारे और ये 16th जो फाउंडेशन है ये स्वामी चिदानंद महाराज की उपस्थिति में हुई और आज आप साक्षी हैं, देख रहे हैं स्वामी जी ये सब जो अनुभूतियाँ आपने दी, जो गुण, जो भाव, जो प्रेम जो हमारे अंदर आए हैं वो आज वो पूर्ण हो रहे हैं। स्कूल भी चल रहा है, सत्संग भी हो रहा है, आप सब सत्संग में जुड़े हुए हैं, सेवा हो रही है। सबसे पहले उनका एक ही था कि कोई, मैं बहुत दफ़ा उड़ीसा सारे स्थानों पे गया, उड़ीसा में वो जा रहे थे तो एक बहुत बुजुर्ग औरत थी तो वो कह रहे हैं रुको रुको रुको, तो हमने कहा पता नहीं रोक क्यों रहे हैं, हाँ माता कहाँ जाना है, तो कह रहे मुझे वहाँ जा, हम बाद में जाएंगे पहले माता को छोड़ाएंगे, ऐसा तो था उनका भाव। वो माता जी को छोड़ने चले गए तो कह रहे हैं कि जाना वहाँ था, माता जी नहीं नहीं वो पैदल जा रही हैं वो गिर जाएंगी, तो वही हुआ। तो कहने का भाव है कि सेवा जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। अभी धर्मनिष्ठानंद जी ने भी यही कहा कि अपनी अप्रिशिएशन, अपनी बड़ाई, अपनी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ना ही हो तो अच्छा है। सेवा इतनी करो कि आपको ने आपको आपको मेवा मिलता रहे, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और ऐसे वो मैग्नेट थे कि जिनको दलाई लामा ने कहा कि आई कैन ओनली शेयर विद यू द सीट नॉट विद द अदर, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, धर्मशाला में गए तो कहते हैं स्वामी चिदानंद जी के साथ ही शेयर करूँगा, मतलब दोनों वो बैठेंगे मुझे किसी और के साथ नहीं बैठना। कहने का मतलब ये था उनका कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक है। तो आप सब जो यहाँ आए हैं तो ये एक उनका मैग्नेट इफेक्ट है, उनके ये स्मृतियाँ हैं आपके पास, उनकी अनुभूतियाँ आपके पास, उनकी कृपा है आपके पास, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके बहन भाई सब को उनका आशीर्वाद मिला है। और अभी भी आप सब कह रहे हैं कि उनकी कृपा से सब हुआ है, तो ये तो हम धन्य धन्य हो गए। और आपका सब बहुत हम धन्यवाद अभिनंदन करते हैं कि आप इस 60 ईयर्स में जो आए हैं ये सब उनकी कृपा से हुआ है। ही हैड ओनली यूज्ड वन थिंग, उस वक्त की वर्ड के अंदर उन्होंने कहा था दिस इज ए दिव्य जीवन, दिस इज ए दिव्य मिशन एंड सेवा सर्व लव गिव इज योर मिशन। सो वो आप कर रहे हैं, आप सबका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हरिओम।